हे एवरी वन वेलकम बैक हाउ इज़ यू ऑल आई होप यू आर डूइंग ग्रेट सो आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि पी जी आई का भी एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है बी एस सी नर्सिंग का तो उसके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा सो लेट्स गेट स्टार्टिंग विद दट टूडेज वीडियो सो आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे सो हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइम्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ऑप्शन ए एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सेप्लेन एंड लीवर सो करेक्ट आंसर इज एक्सोग्राइन ग्लैंड सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंगज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम सबसे ज्यादा क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं ऑप्शन एनजियोस्पाम एलिफेंट्स ह्यूमन बींग्स एंड टेरिटो फाइट सो करेक्ट ऑप्शन इज टेरिटोफाइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो फैट को ब्रेक करके कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है ऑप्शंस आर इंटेस्टाइन्स किडनीज लीवर एंड लंग्स सो करेक्ट ऑप्शन इज लीवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्वा ऑफ द फ्रॉक इज कॉल्ड एज फ्रॉक के लार्वा को क्या कहा जाता है ऑप्शन ए इटरपिलर प्यूपा टेडपोल मैगट सो करेक्ट ऑप्शन इज टेडपोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायर प्लांट टेक अप नाइट्रोजन एज जो हायर प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं ऑप्शन ए नाइट्रेट्स एंड अमोनिया नाइट्राइट ऑनली नाइट्रेट्स ऑनली एंड यूरिया सो करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रेट्स एंड अमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फूड पॉइजनिंग इज कॉज बाय फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है फर्स्ट ऑप्शन इज कोल्स्ट्रेडियम टेटनाई नेक्स्ट वन इज़ कोलस्ट्रेडियम बॉटोलिनियम सालमोनीला टाइप पी बेसिलस एंथरासीज सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज कोलस्ट्रेडियम बॉटोलिनियम नेक्स्ट इज़ विच डिजीज इज़ कॉज बाय द डेफिशेंट ऑफ विटामिन बी वन व्यूमन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है सो फर्स्ट वन इज मीजल्स मम्स बेरीबेरी एंड ब्लाइंडनेस सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ बेरीबेरी नेक्स्ट इज हाउ मैनी सब यूनिट्स डज़ ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंटेन हीमोग्लोबिन ह्यूमन का जो ह्यूमन ग्लोबिन होता है वो कितनी सब यूनिट्स कंटेन करता है फर्स्ट वन इज़ टू थ्री सिक्स फोर सो करेक्ट ऑप्शन इज डी फोर जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन है वो फोर सब यूनिट्स कंटेन करता है नेक्स्ट वन इज़ टर्सरी स्ट्रक्चर गिव्स अ थ्री डायमेंशन व्यू ऑफ प्रोटीन जो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन को थ्री डायमेंशन व्यू देता है ये बात सही है या गलत ट्रू और फॉल्स तो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम नेम द टिश्यू विच इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल ऐसा कौन सा टिश्यू है जो एनिमल में फाउंड नहीं होता है फर्स्ट वन इज एडिपोज टिशू मैरिस्टेमेटिक टिशू डेनड्राइड्स मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ अबव सो करेक्ट ऑप्शन इज बी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मेरिस्टेमैटिक टिश्यू है वो एनिमल्स में फाउंड नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोजोम्स आर साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस फैट सिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए प्रोटीन सिंथेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फ्रॉम स्किन ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्किन से ब्रीथ करता है सांस लेता है फर्स्ट वन इज स्नेक नेक्स्ट वन इज़ अर्थवॉर्म नेक्स्ट वन इज मंकीन ह्यूमन सो करेक्ट ऑप्शन इज बी अर्थवॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यू सिक्रेटिड बाय द ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री केनाल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट फैट की डाइजेशन के लिए ऐसा कौन सा जूस है जो एलिमेंट्री केनाल से सिक्रेट uh, होता है और डाइजेशन के लिए बेस्ट है अच्छा है सो ऑप्शनज आर पेंक्रेटिक जूस से लाइवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस बाइल जूस एंड पेंक्रेटिक जूस सेलाइवर एंड हाइड्रोकोलोरिक एसिड सो करेक्ट ऑप्शन इज बाइल जूस एंड पेंक्रेटिक जूस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास गिल्स नहीं होते सो ऑप्शन आर फर्स्ट वन इज ऑक्टोपस स्क्वेड क्लाउनफिस एंड व्हील्स सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हेल ऑप्शन डी बिकॉज गिल्स आर द रेस्परेटरी ऑर्गन फाउंड इन द मोस्ट एक्वाइटिक ऑर्गेनिजम बट इन वेल लंग्स आर द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ वेल्स ठीक है लंग्स जो होता है ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वेल्स का इसलिए वेल्स में जो होते हैं गिल्स uh, नहीं पाए जाक्स्ट इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गेनालीस शोज सिमिलैरिटी टू प्रो क्वेरियोट सेल सो ऐसी कौन सी ऑर्गेनालीस हैं जो सिमिलैरिटी शोज़ करती हैं प्रो कैरियोटिक सेल के लिए सो ऑप्शन आर माइट्रोकॉन्ड्री ऑनली क्लोरोप्लास्ट ओनली, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्टेरिया एंड नन ऑफ अबव सो करेक्ट ऑप्शन इज सी बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ट्रिया ये दोनों ही सिमिलैरिटी शोज करवाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के लिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग से इनमें से कौन सी विटामिन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारी हेल्प करती है सो ऑप्शनस आर विटामिन ए विटामिन डी विटामिन के एंड फॉलिक एसिड सो करेक्ट ऑप्शन इज सी विटामिन के विटामिन के जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हमारी बहुत हेल्प करती है नेक्स्ट इज वट इज़ द सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड ऑफ जो प्लांट की सेल वॉल है किससे बनी होती है सो ऑप्शन आर सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड लिपोप्रोटीन सो करेक्ट ऑप्शन इज ए सेलुलोज ज इन विच स्टेज ऑफ म्योसिस डज साइनेप्सिस टेक प्लेस कौन सी स्टेज पे जो है म्योसिस साइनेप्सिस टेक प्लेस करता है सो ऑप्शनस आर लिपोटीन पैचिटीन जाइगोटीन एंड मेटाफेज वन सो करेक्ट ऑप्शन इज जाइटीन ऑप्शन सी नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इनमें से कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है सो ऑप्शनस आर डिफ्थीरिया जीकाफीवर पोलियो टू बेला सो करेक्ट ऑप्शन इज ए डिपिथीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे इज नॉट रेप्टाइल इनमें से कौन सा ऐसा वर्टिब्रे है जो रेंगता नहीं है सो ऑप्शन आर फर्स्ट वन इज क्रोकोडाइल लीजर पेंगविन एंड टर्टल सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पेंग्विन नेक्स्ट वन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम सैलेवरी अमाइलेज इन दिलाईवा बिगीन डाइजेशन ऑफ ऑप्शन आर कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड सो करैक्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं सो ऑप्शन आर फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल स्टेमन एंड अदर दैन दोज गिवन एज ऑप्शन सो करेक्ट ऑप्शन इज बी गार्ड सेल्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द मंकी पॉक्स डिजीज इज़ कॉज्ड बाय बिच ऑफ द फॉलोइंग जो मंकी पॉक्स डिजीज है किसकी वजह से कॉज होती है सो ऑप्शनस आर बैक्टीरिया वायरस फंगस एंड प्रोटोजोआ सो करेक्ट ऑप्शन इज वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंगू फीवर इज अ डिजीज़ जो डेंगू फीवर है वो किसकी वजह से होता है वो डिजीज किसकी वजह से होती है सो ऑप्शन आर एयरबोन डिजीज़ पैरासाइट बोन बैक्टीरिया बोन एंड मस्कीटो बोन सो करेक्ट ऑप्शन इज मस्कीटो बोन डिजीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ एपिजेनेटिक्स एपिजेनेटिक्स किसे कहा जाता है क्या है सो ऑप्शनस आर द स्टडी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड दियर ट्रीटमेंट Second option is the study of changes in organism caused by modification of gene expression rather than alteration of the genetic code itself. Third option a branch of genetics that deals with the structure and function of chromosome. And last one is the process through which genetic information is copied to RNA in the cell nucleus. So, correct option is B the study of changes in organism caused by modification of gene expression. रेदर दैन द ऑल्ट्रेशन ऑफ द जेनेटिक कोड इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डज विटामिन के डेफिशियंसी लीज टूट अगर हमारी बॉडी में विटामिन के डेफिशियंसी हो जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ऑप्शन आर प्रॉब्लम इन डाइजेशन ऑल ऑफ द ऑप्शन प्रॉब्लम इन ब्लड कागुलेशन मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रॉब्लम इन ब्लड काकुलेशन ऑप्शन सी अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे ब्लड काकुलेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है ओके सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द लंग्स अगर इन सो ऑप्शन आर ट्रैकिया ऑलविलाई ब्रोंकाई एंड मोर देन वन ऑफ द अबव सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑलविलाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइटोलॉजी किसकी स्टडी है सो ऑप्शन आर सेल्स क्लोरोप्लास टिश्यूज मोर दैन वन ऑफ द अबब सो करेक्ट ऑप्शन इज ए सेल्स इज वट इज जीनोम जीनोम किसे कहा जाता है जीनोम की क्या डेफिनेशन है सो ऑप्शन आर अ सिंगल जीन इन द डिटरमाइंसि स्पेसिफिक ट्रेड द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल और ऑर्गेनिज्म अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए एंड लास्ट ऑप्शन इज मोर दैन वन ऑफ अबब सो करेक्ट ऑप्शन इज बी दम्पलीट सेट ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट इन द सेल और ऑर्गेनिजम नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लान सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है प्लांट का सो ऑप्शन सा फ्लार्स स्टेमन पिस्टल जाइोट सो करेक्ट ऑप्शन इज ए फ्लार फ्ला द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लान्ट फ्लार्स सो so, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज की वीडियो में रिवाइज करे रिलेटेड टू बायोलॉजी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा सो नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बब्बाई टेक केयर खुश रहिए स्वस्थ रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग